हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक पांडे और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पांडे जी द हेल्थ में। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं दांतों के ऊपर। दांतों की सफाई की बात हो या दांतों के सड़ने की बात हो या फिर दांतों के रक्षा की बात हो, दोस्तों आज इसके ऊपर में हम बात करने वाले हैं। क्योंकि हम देखते हैं, खासकर जब हम लोग दांतों की सफाई करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, दांतों के सिर्फ बाहरी भागों को चमकाने की कोशिश करते हैं और उन भागों को हम रगड़ रगड़ के साफ़ करते हैं। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, हमको जो है दांतों के सारे पार्ट को साफ़ करने चाहिए, दांतों के अंदर के भाग को साफ़ करना चाहिए, जिससे कि हमारे पूरे दांत जो हैं सही रहें, उनमें जो है कीड़े ना लगें और हमारे दांत बिल्कुल फ्रेश रहें। दोस्तों, जब हम दांतों के अंदरी भाग को जो है साफ नहीं करते हैं तो वहाँ पे जो कुछ भी हम खाते हैं वहाँ पे इकट्ठा होता रहता है और इकट्ठा होते होते वो सड़ने लगता है और सड़ते सड़ते क्या होता है, उन दांतों के चारों तरफ कालापन आ जाता है और उन दांतों को नष्ट कर देता है, जिससे कि दांतों का क्षरण होने लगता है और हमारे दांत वहाँ के गायब हो जाते हैं और कैविटी बन जाती है, जिसको कि खोड़ीला बोलते हैं। और वो खोड़ीला जो है आगे जाके बहुत दिक्कत करता है, जब हम कुछ भी खाते हैं तो उस कैविटी में जाके फंस जाता है, फिर हम किसी चीज़ से निकालते हैं तो हमारे जबड़े में वो चीज़ लग जाती है और हमको काफ़ी दिक्कत देती है। दोस्तों, दांतों का दर्द ऐसा होता है जो कि असहाय होता है। जब दांतों में दर्द होने लगता है तो हमको काफ़ी दिक्कत होती है और बहुत परेशानी होती है। दोस्तों, इन सब चीज़ों के ऊपर में बात करते हुए हम ये भी जानेंगे कि आखिर दांत हमारे किस चीज़ के बने होते हैं। दोस्तों, हमारे दांत जो होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम ऑक्सीलेट के बने होते हैं, जो कि ज़्यादा रगड़ने से हमारा जो दांतों का ऊपरी लेयर होता है जिसको इनेमल बोलते हैं, वो क्या करता है, हमारे दांतों की रक्षा करता है। अंदरी भाग को हम डेंटाइन बोलते हैं और बाहरी भाग को जो है इनेमल बोलते हैं। ज़्यादा रगड़ने से दोस्तों हमारे इनेमल का क्षरण हो जाता है, जिससे कि हमारे दांत जो है टूट टूट के गिरने लगते हैं और हमारे दांत जो है काफ़ी कमज़ोर हो जाते हैं। तो दोस्तों, जब हमारे दांत जब ख़राब हो जाते हैं तो हम क्या कहते हैं कि हमारे दांत में कीड़े लग गए हैं और हमारे खोड़ीला हो गया है, कुछ भी खाते हैं तो वो जो है हमारे उसमें फंस जाता है और काफ़ी जो है दर्द देता है। हम अखरोट नहीं खा पाते हैं, हम गन्ना नहीं खा पाते हैं, हम चना नहीं खा पाते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में वो बात करता है। दोस्तों, जब दांत हमारे पूरी तरह से ख़राब हो जाते हैं तब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर क्या करते हैं, कहते हैं भैया अब इनको उखाड़ना पड़ेगा। तो डॉक्टर जब उखाड़ते हैं उस चीज़ को जो है, आज इस वीडियो के माध्यम से आइए जानते हैं कि दांतों का रिप्लेसमेंट कैसे होता है। पूरे वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे, पूरी डिटेल में जानेंगे, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को अपने दोस्त सखी संबंधियों सबको भेजना, ताकि ये जानकारी जो है उसको भी मिल जाए। तो दोस्तों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं।
उसके बाद क्या होता है दोस्तों कि जब सिलाई हमारी पूरी तरह से पक जाती है तो उसको अच्छे से साफ़ करके फिर एक स्क्रू लगा कर जो है दांतों को सेट कर दिया जाता है, और सेट करने के बाद जो है बढ़िया से लगा दिया जाता है, और जिससे कि हमारे दांतों का। दोस्तों आज के वीडियो में आपने देखा कि आखिर हमारे दांत जो ख़राब हो जाते हैं उनको कैसे रिप्लेस किया जाता है। दोस्तों इसी प्रकार जो है RCT भी किया जाता है, रूट कैनाल ट्रीटमेंट जिसको बोलते हैं, उसको भी दोस्तों इसी प्रकार किया जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही हम जानेंगे, लेकिन अगले वीडियो में हम दांतों को पूरी डिटेल से जानेंगे और दांतों को कैसे बचाया जाए, दांतों की रक्षा किस प्रकार की जाए, उनको सड़ने से किस प्रकार बचाया जाए, इस चीज़ों को जो है पूरी डिटेल में जानेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।